अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, कैसे हैं सब भाई जी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। लो जी, रोज़ाना की तरह आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मुनासिब अच्छी चीज़, जो कि प्राइस के लिहाज से भी बहुत अच्छी है, प्रोसेसिंग भी अच्छी है, उसकी कैमरे भी बहुत अच्छे हैं और नॉच स्क्रीन में आ जाती है। आज जो हम मॉडल लेके आए जी, वो है जी वीवो का मॉडल है, और पहले भी हमारे पास आया था स्टॉक, बहुत अच्छा सेल हुआ है और जल्दी सेल हो गया था। आज जो मॉडल लेके आए जी, वो है जी Y85, वीवो Y85 है जी, जिसमें हमारे पास ये तीन कलर है। ये चेक करें, गोल्ड कलर है और उसके अलावा इसमें रेड कलर दिया हुआ है और ब्लैक कलर है। तीन कलर अवेलेबल है। अगर आ जाएं जी आप इसके कैमरे के ऊपर, दो कैमरे दिए हुए हैं बैक पे। जो पहला कैमरा दिया हुआ है वो दिया हुआ है जी 13 मेगापिक्सल। ये देखें, पहला 13 मेगापिक्सल कैमरा है, उसके बाद दूसरा उसके साथ जो दिया हुआ है छोटा सा, वो दिया हुआ है जी 2 मेगापिक्सल कैमरा दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप इसके फ्रंट कैमरे पे आ जाएं तो ये सेल्फ़ी कैमरा दिया हुआ है, जिसमें आपका फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल है, 1080p 30 FPS पे आप वीडियो बना सकते हैं। अच्छी चीज़ है, बहुत ही मुनासिब चीज़ है। इसके बाद आते हैं जी बैटरी के ऊपर। बैटरी इसकी दी हुई है जी 3260 mAh बैटरी है। सेट के हिसाब से बैटरी बहुत मुनासिब है, अच्छी बैटरी दी हुई है, मुनासिब टाइम है और मतलब अच्छा टाइम दिया हुआ है। बैटरी में इन्होंने दी है जी नॉन रिमूवेबल बैटरी है, फास्ट चार्जिंग नहीं है, लेकिन लिथियम बैटरी है। बैटरी बहुत अच्छी है, आपकी टाइमिंग अच्छी निकाल जाती है। अगर आ जाते हैं जी हम इसकी मेमोरी और रैम पे, जो इसका लॉन्चिंग हुई थी उसमें दो वेरियंट आए थे, जिसमें एक आया था जी 4 GB और 32 GB, और एक आया था 4 GB और 64 GB। और हमारे पास जो स्टॉक में अभी अवेलेबल है वो आया है जी 4 GB और 64 GB, और तीनों कलर अवेलेबल है। फ्रंट इसका जो है IPS डिस्प्ले दिया हुआ है, LCD है, गोरिल्ला ग्लास नहीं है, सिंपल है लेकिन अच्छी है। और बैक जो दिया हुआ है इसका प्लास्टिक है। उसके बाद अगर आ जाएं इसके सेंसर पे, तो इसका जो फिंगर सेंसर है वो बैक दिया हुआ है। स्क्रीन में इसका फिंगर सेंसर नहीं है, बैक में है। साथ ही LED फ्लैश दिया हुआ है। नॉर्मल इसको जो है 8600 चार्जर लगता है, वो सिंपल चार्जर है, हैंड फ्री जैक दिया हुआ है। अच्छी चीज़ है जी, मुनासिब चीज़ है। इसके अलावा अगर आ जाएँ आप स्टॉक पे, तो स्टॉक इसका आजकल कम ही मिल रहा है, हमें भी मिला है स्टॉक बहुत मुश्किल से। बहुत ही मुनासिब चीज़ है, इंतहाई मुनासिब प्राइस में है, मज़े की चीज़ बनी हुई है। कलर देखें, ये जो इसमें रेड कलर आता है ये भी शाइन में आता है, उसके अलावा जो ब्लैक कलर आता है इसका भी बैक शाइन में आता है, और जो गोल्ड आता है वो शाइन में नहीं है लेकिन वैसे ही वो प्यारा कलर है। आते हैं जी अब इसकी प्राइस के ऊपर। प्राइस इसको जी आपको ये होलसेल में ही मिलेगा, चाहे आपने ज़्यादा पीस लेने हो चाहे आपने कम पीस लेने हो, ये आपको 4/64 वाला मिलेगा जी सिर्फ और सिर्फ 14,500 रुपये में। बहुत ही मुनासिब प्राइस है 4/64 में, नॉच स्क्रीन में। इससे सस्ता मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई और मॉडल होगा। नॉच स्क्रीन में नहीं है, वैसे अगर आप आ जाएं तो वैसी स्क्रीन में मिल जाते हैं, नॉच स्क्रीन में इतना सस्ता मॉडल अभी मार्केट में कोई भी अवेलेबल नहीं है, वो भी 4/64 में नॉच स्क्रीन। और वीवो का बैटरी भी अच्छी है, इंतहाई अच्छी चीज़ है, जिसमें 3G 4G भी दिया हुआ है, एवरीथिंग सारा कुछ दिया हुआ है। उसी हिसाब से प्राइस बहुत ही मुनासिब है, 14,500 रुपये का जी सिर्फ और सिर्फ। जिस भाई को चाहिए हो वो शॉप विज़िट करे, मैसेज करे, या ऑनलाइन मंगवाना चाहे तो ऑनलाइन भी मंगवा सकता है, लेकिन उसका ये होता है कि वो पहले अकाउंट में पैसे लगवाना पड़ते हैं, फिर आपको मोबाइल मिल जाता है, एक दिन बाद आपको मोबाइल मिल जाता है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए मॉडल के साथ, किसी नए मोबाइल का मतलब पुराने मॉडल के साथ रिव्यू करते हुए, जो हमारे पास स्टॉक में आएगा इंशाल्लाह आएगा। स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, तो जो है आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।